हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का वापस स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रो ट्रेडर्स वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। इसमें हम ये डिफरेंसेस देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोज क्या करते हैं जो रिटेलर्स भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए इसे काफ़ी सिंपल सीरीज़ रखूँगा, बहुत ही सिंपल हाइलाइटर्स रहेंगे। बट बिलीव मी, अगर आप इस सीरीज़ को जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। भले ही आसान है, बट यू विल ऑल्सो ग्रो एज अ गुड ट्रेडर। याद रखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए चालू करते हैं। तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो यूजुअली स्टार्ट स्लो करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं एंड धीरे धीरे अपना पेस इनक्रीज़ करते हैं, तभी जब वो उसी अमाउंट को एक डिसेंट कैपिटल बना देते हैं। तो वो लोग स्लो जाते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं और उसी मिस्टेक से सीख सीख के वही पुराने कैपिटल को एक डिसेंट कैपिटल बनाते हैं। वेयर इज रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, शुरू तो बिल्कुल स्लो करने की कोशिश करते हैं, अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं जब उनको लगता है कि नहीं, हम तो प्रोफेशनल बन गए हैं, और इन द प्रोसेस वो अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस ये रहता है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हमेशा आता है प्रॉफिट बनाने के माइंडसेट से, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो हमेशा प्रॉफिट बनाने के माइंडसेट से नहीं आता। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये रहता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर दो चीज़ें कंबाइन करता है, वो कंसिस्टेंसी और कैपिटल प्रिवेंशन को हमेशा पहला रैंक देता है एंड नेक्स्ट देता है प्रॉफिट। तो उसको हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर मैं 10 लाख से चालू कर रहा हूँ तो मेरा वो 10 लाख प्रोटेक्टेड रहे, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन दो दिन में मैं उसको 15 लाख बनाऊँ। लेकिन एक रिटेलर 10 लाख चालू करता है तो वो ऐसे कैलकुलेट करता है कि हर दिन का मेरे को 20,000 बनाने का है या फिर हर साल मेरे को इतना बनाना है। तो दैट इज़ ऑफकोर्स एक प्रोफेशनल भी सेट करते हैं, लेकिन पहला डिफरेंस उनका रहता है कैपिटल प्रिवेंशन और कंसिस्टेंसी पे। वो ये नहीं बोलते कि मुझे इसको 50% आज ही करना है, तो वो ये सोचेगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर कि मैं भले 2-2% करूं लेकिन हर वीक मैं 2-2% बढ़ाऊं अपने कैपिटल को। ऐसा देन जो एक रिटेल ट्रेडर होता है वो ट्रेड लेता है, ट्रेड क्लोज करता है, उसके बाद सोचता है कि मेरा ब्रोकरेज के पास ऑलरेडी ट्रेड बुक है, ये सारी चीज़ें हैं। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना ट्रेड लॉग हमेशा मेंटेन करता है, या तो एंड ऑफ द डे करता है, या तो अगर वो थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेडर है तो वो एंड ऑफ द वीक करता है, जिसमें कि वो पूरा देखता है उसका टोटल लॉस टोटल गेन क्या हुआ और उसको पूरा एनालाइज करता है। रिटेल ट्रेडर कभी कभी एनालाइज करता है लेकिन हर बार नहीं करता, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देन एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसे पावर ऑफ एवरेजिंग पता है कि क्या है उसमें पावर, लेकिन वो अंधाधुंध कहीं पर एवरेजिंग करता है। एक रिटेल ट्रेडर क्या होता है, जहाँ लॉस देखा या तो पोजीशंस डबल कर देगा या तो अंधाधुंध एवरेज करेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के पास ये चीज़ करेगा और वहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फटाक से एग्जिट करेगा। लेकिन एक रिटेल निवेशक क्या होता है, अगर पहला सपोर्ट टूटा तो वो नेक्स्ट सपोर्ट पे क्या वेट करता है एवरेजिंग के लिए, और इसी तरह लॉस वाइडन अप हो जाता है। देन दूसरी चीज़ है, एक बड़ा ट्रेडर को बहुत बड़ा लॉस करना इतना पसंद नहीं होता, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बड़े लॉसेस पसंद नहीं होते, इसलिए वो छोटे लॉसेस बुक करना सीख जाते हैं, वो सीखते हैं, वो करते हैं दिल पे पत्थर रखे। बट एक छोटा निवेशक उस चीज़ को, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसका छोटा लॉस हमेशा बड़ा हो जाता है और वो बड़े पे बुक करता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए, इस पे भी आपको देखना ज़रूरी है कि कितने लॉट साइजेस हैं, कितना पोजीशंस है। अगर आप एक लॉट पे 5,000 करते हो ठीक है, लेकिन एक ही लॉट पे 50,000 करते हो वो गलत है। उसी की जगह आप 10 लॉट इंटू 5,000 करते हो 50,000, तो एक तरीके से वो ठीक है, लेकिन आप एक ही लॉट में 50,000 बिल्कुल गलत है, प्रोफेशनल वैसा नहीं करते हैं। देन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो जानता है कब रुकना ज़रूरी है, उसको वो ट्रेडिंग को उस पर हावी नहीं होने देता है। एक रिटेल ट्रेडर को लत लग जाती है, वो रोज़ रोज़ ट्रेडिंग करना चाहता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को इतना कंट्रोल रहता है, जब उसको पता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट है या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अजीब है, रैंडम है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो 1-2-3 हफ्ते तक भी वेट करता है बिना ट्रेड लिए। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर को आदत लग जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन रुक पाता है, उसके बाद कूद पड़ता है, उसके बाद लॉस हो जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि यार क्या गलती कर दी, पता था मार्केट अभी फेवर में नहीं है तो भी कूद गए। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज़ नहीं करता। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, रिटेल ट्रेडर कोशिश करता है रोज़ ट्रेड करने का, प्रोफेशनल ट्रेडर रोज़ ट्रेडिंग नहीं करता है। जी हाँ, प्रोफेशनल ट्रेडर रोज़ ट्रेड नहीं करता है। एंड फाइनली,
एक जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो छोटे मोटे शॉर्टकट्स ढूंढता है, या कि चलो मैंने एक जगह से पढ़ लिया, या फिर मैंने एक एक जगह से एक महीने की ट्रेनिंग ले ली, या तो फिर मैंने एक न्यूज़ चैनल से टिप्स ले ली। लेकिन एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो रोज़ लर्निंग पे फोकस करता है। वो चाहे तो वो रीडिंग से हो, या तो एक्सपीरियंस से हो, या तो सुनने से हो, या तो वीडियो से हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक डिफरेंस क्या होता है। ये सीरीज़ और भी चलेगा, इसमें मैं डेली हैबिट्स भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें, सेटअप, टूर, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप ग्लूड रहें, एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।